मुजफ्फरनगर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर शुकतीर्थ नगरी में ये एक धार्मिक स्थल पर है। यहाँ पर वीर अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को आचार्य सुखदेव जी ने भागवत कथा का श्रवण कराया था। यहाँ पर एक प्राचीन वट वृक्ष है, इसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी। इस वट वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि ये वट वृक्ष कभी भी यहाँ पर पतझड़ नहीं होती, अपने पत्ते नहीं छोड़ता है और ये सदा हरा भरा रहता है। यहाँ पर ये प्राचीन स्थल ये बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर भागवत कथा सुनने के लिए आते हैं। यहाँ पर एक हनुमान जी की बहुत ऊँची प्रतिमा है, महाराज गणेश जी की ऊँची प्रतिमा है, आइए आपको इसके दर्शन कराते हैं। ये सामने हनुमान जी की प्रतिमा है, ये लगभग 60 फुट ऊंची प्रतिमा है, ये 60 फुट ऊंची प्रतिमा है। यहाँ पर इसी के पास से सोलानी नदी बहती है जिसमें लोग बाग स्नान करने के लिए आते हैं, जहाँ मेला लगता है। ये एक बड़ी अच्छी तीर्थ नगरी है। यहाँ पर आने के बाद आध्यात्मिक शांति मिलती है, लोग अपने मन को शांत करने के लिए यहाँ पर दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर कथा सुनते हैं। यहाँ पर एक समय में सैकड़ों सैकड़ों कथाएं होती हैं, अलग अलग स्थानों से अलग अलग जगह से लोग यहाँ आते हैं, अपने परिवार के साथ में कई दिन यहाँ बिताते हैं और अपने मन की शांति प्राप्त करते हैं। चलते हैं सुखदेव जी के आश्रम में स्थित एक प्राचीन मंदिर है, इसी मंदिर में लेकर चलते हैं, जानते हैं इस मंदिर के बारे में क्या मान्यताएं हैं। ये मंदिर है जहाँ पर श्री कृष्ण जी हैं, उनके साथ में आशीर्वाद दे रहे हैं महाराज सुखदेव जी महाराज हैं, और जो वहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं राजा परीक्षित जी हैं, और इनके साथ ही कई मुनिवर भी यहाँ पर हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर राजा परीक्षित और महाराज सुखदेव जी के चरण मौजूद हैं। ये उनका पुराना मंदिर है, ये यहाँ पर राजा परीक्षित जी के जो हैं चरण हैं, और ये महाराज सुखदेव जी के चरण हैं, और ये यहाँ पर इनको कथा सुना रहे हैं। यहाँ पर वट वृक्ष है, इसके बारे में बड़ी कहावत है और बहुत सारी मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं के बारे में हम जानते हैं। आपका नाम? आशीष माधव शास्त्री। जो वट वृक्ष है इसके बारे में क्या मान्यताएं हैं और क्या इसके फायदे हैं? ये जो भूमि है ये भागवत की उद्गम स्थली है, जैसे मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि है, अयोध्या राम की जन्मभूमि है, ठीक उसी प्रकार से ये भागवत की जन्मभूमि है। इसी पावन वट वृक्ष के नीचे श्री सुखदेव जी महाराज ने आकर के राजर्षि परीक्षित को 7 दिवस तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया था। इसी पावन वट वृक्ष पे और इसी पावन भूमि पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, और सुखदेव जी महाराज के आगमन से उस भागवत का प्राकट्य हुआ जो उत्तराखंड में शम्यप्रास आश्रम सरस्वती नदी के किनारे जो व्यास जी ने 18,000 श्लोकों के रूप में भागवत की रचना करी, उस भागवत का सबसे पहले सर्वप्रथम श्रवण राजर्षि परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने इसी पावन स्थान पर कराया है। ये दिव्य अक्षय बटवृक्ष है, और भी बहुत सी मान्यताएं हैं इसमें। जैसे हम पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किसी मेले में एकत्रित होती है, उसका नाम है कुंभ। कुंभ में बहुत अधिक जनसंख्या आती है, और उसकी मान्यता है कि जब समुद्र मंथन किया जा रहा था और समुद्र मंथन में 14वें रत्न के रूप में अमृत निकला, तो धन्वंतरी भगवान उस अमृत को ले जाने लगे, असुर आए उनसे छीना झपटी करने लगे, तो छीना झपटी में 4 जगह अमृत की कुछ बूंदें गिरी और विश्व की सबसे अधिक संख्या उन स्थानों पर एकत्रित होने लगी, मेले लगने लगे। पर भागवत महापुराण में ही व्यास जी महाराज ने लिखा है, इस पावन बटवृक्ष की छत्र छाया में और इस शुकतीर्थ की पावन भूमि पर जब श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए अपने आसन पर आरूढ़ हुए, तब सभी देवता वो ही दिव्य अमृत का कलश जो समुद्र मंथन में निकला था उस पूरे कलश को लेकर के आए, और उन्होंने जिज्ञासा जताई कि हम इस अमृत के बदले भागवत कथा अमृत श्रवण करना चाहते हैं, आप ये अमृत राजर्षि परीक्षित को पान करा दो, और जो भागवत कथा रूपी अमृत राजर्षि परीक्षित को पान कराने जा रहे थे वो हमें पान करा दो। सुखदेव जी महाराज ने मना किया, सुखदेव जी महाराज को जो अंजलि में लेकर के अमृत का दर्शन कराया उस अमृत को सभी देवताओं ने इसी बटवृक्ष की जड़ में डाल दिया है। तो वहाँ तो द्वेष भाव से कुछ बूंदें गिरी थी 4 स्थानों पर जो कुंभ के मेले लगने लगे, पर यहाँ तो सद्भावना थी और अंजलि में लेकर के स्वयं देवताओं ने इस बटवृक्ष की जड़ में डाला है, इसीलिए ये बटवृक्ष भी अजर अमर माना जाता है। महाभारत कालीन इसको मानते हैं, 5,500 वर्ष पुराना माना जाता है। जैसे श्री सुखदेव जी महाराज की अवस्था बतलाई है, 16 वर्ष किशोर मूर्ति श्याम वर्ण दिगंबरम, श्री सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष के हैं, इसी प्रकार इस बटवृक्ष की अवस्था भी 16 वर्ष की ही मानी जाती है, यानी कि 16 वर्ष की भांति ही ये हरा भरा रहता है। वैसे तो बहुत प्राचीन है,
बहुत से वैज्ञानिक आए, इस पर संशोधन भी किया है और उन्होंने कहा है कि विश्व का सबसे अधिक एनर्जी वाला ये वटवृक्ष है। और अन्य मान्यताएं भी हैं, आपने देखा होगा कि वटवृक्ष में बहुत सी जटाएं लटकती हैं पर इस वटवृक्ष में एक भी जटा नहीं है और पूर्ण रूपेण कभी इस पर पतझड़ नहीं होता है। ये वटवृक्ष साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज का ही स्वरूप माना जाता है। आज हम शुक्रताल में पहुंचे हैं, यहाँ पर एक 5,500 वर्ष पुराना एक वटवृक्ष है जिसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं, तो हम इन्हीं मान्यताओं को जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। मेरे पीछे जो वटवृक्ष है, यहाँ पर धागा बांधा जाता है, कहते हैं कि यहाँ पर धागा बांधने से यहाँ मन्नत पूरी हो जाती है। और इस वटवृक्ष के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कभी पतझड़ नहीं होता है, ये हमेशा जो है हरा भरा रहता है। और जैसे वटवृक्ष में लटाई लटकती हैं, इस वटवृक्ष में कभी लटाई नहीं लटकती हैं। बहुत ही पुराना और बहुत ही विशाल वटवृक्ष है ये।